बुरहानपुर के महिनापेट में श्री सम्मी गणेश उत्सव समिति के 3 कलाकारों ने केले के रेशे से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया है। 11 किलो केले के रेशे से 3 फीट की भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाई गई है, जो लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इस प्रतिमा को 3 कलाकारों ने 15 दिन में बनाया है। इसको बनाने में मात्र 8,000 रुपये का खर्चा आया है। यह इको फ्रेंडली केले के रेशे से बनी भगवान श्री गणेश की प्रतिमा लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दे रही है। केले से के रेशे से भगवान श्री गणेश की यह प्रतिमा बनाई गई है। अब भक्त यहाँ पर सुबह शाम पूजा अर्चना कर आराधना कर रहे हैं। जिले में केले की खेती सबसे अधिक होने के कारण यहाँ पर केले का रेशा आसानी से मिल जाता है, इसलिए समिति के कलाकारों ने भी केले का रेशा यूज़ किया और 15 दिन में यह प्रतिमा बनाई। समिति के योगेश गावंडे ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मी गणेश उत्सव समिति की ओर से पर्यावरण जागरूकता का संदेश देने के लिए भगवान श्री गणेश की यह प्रतिमा की स्थापना की गई है। पिछले 3 वर्षों से की जा रही है। सबसे पहले हमारे द्वारा घी से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा का निर्माण किया था, जिसके बाद हमारे द्वारा मिट्टी के भगवान श्री गणेश बनाए गए थे। इस वर्ष हमारे द्वारा केले के रेशे से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाकर इसकी स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि केले के रेशे से अन्य सामग्री भी बनाई जा सकती है, इससे नदी को भी किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी, जिसके लिए हमने यह प्रतिमा बनाई है। इस प्रतिमा को 3 कलाकारों ने बनाया है बनाई है कितने केले के रेशे का इस्तेमाल किया है और कितने लोगों ने इसको निर्मित किया है? ये जो है हमारे स्वामी गणेश, आप बोर्ड देख लो एक बार, स्वामी गणेश श्री स्वामी गणेश उत्सव समिति जो है हमारी, ये इन्होंने बड़े बड़े हमारे जो भाई है उन्होंने इसको तैयार किया है। 3 जन है जिनका नाम एक दर्शन पाटिल, भरत गावंडे और योगेश चौधरी, ये तीनों जो है हमारे बड़े भाई है, तो ये हमें सहयोग करते रहते हैं और इन्होंने ही हमारे को मतलब ये बताया कि इसे से हमारा हम आपको बिठाने में मदद करेंगे, तो इन्होंने ये बिठाई है। और कहाँ से बनाई है आपने? ये केलों के रेशों से बनाई है। कितने केले केले का रेशा कितना किलो इस्तेमाल किया गया? ये 10 से 11 किलो का रेशा इसमें उपयोग में लाया गया है। कितने दिन में बन के तैयार हो गए? ये 10-15 दिन में कब लगभग तैयार हो चुकी है। क्या संदेश देना चाहते हो आप? इसका बनाने का हमारा ये मतलब है और लोगों को दिखाने का ये मतलब है कि जैसे आप जैसे POP की मूर्ति बिठाते हो या ये कुछ भी जैसे बिठाते हो, इनसे बहुत प्रकृति को नुकसान होता है। और जैसे अपन नदी में जब विसर्जित करते हैं तो जब नदियों के अंदर के जीव जंतु जो भी मतलब मछली वगैरह, तो ये मर जाते हैं, ये ऊपर पानी में आ जाते हैं जब गणपति डूब जाते हैं, उसके बाद लोगों का ध्यान इस पर जाता नहीं, और कचरा भी वहाँ बहुत सारा जमा हो जाता है। और हम मतलब केले के रेशे और मट्टी एक ऐसी चीज़ है जिससे कि नदियों को कोई दूषित नहीं होती है, कोई वो नहीं होता, खराब नहीं होती है। तो इसको देखते हुए हमने प्रकृति को बचाने के लिए और पेड़ पौधे भी का उपयोग जैसा होता है तो इसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। और ये केले के रेशे से कहीं ना कहीं कोई अलग चीज़ बनाई जा सकती है, बहुत सारी चीज़ें बना सकती है। मेरा नाम योगेश गावंडे।